अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जायका विद रूबी। आज हम पूरी सब्जी बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल सॉफ्ट और झटपट बन जाने वाली पूरी सब्जी की रेसिपी है। तो देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये मीडियम साइज़ के 4 उबले हुए आलू हैं, जिन्हें मैंने पहले से उबाल के रख लिया है। ये 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है और एक चुटकी भर हींग है, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ली है। ये मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके फाइन चॉप करके रख लिया है। ये थोड़ा सा हरा धनिया है, इसे भी मैंने अच्छे से वॉश करके छोटा छोटा कट करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च ली है, फीकी वाली हरी मिर्च है ये, जिसे मैंने ऐसे स्लाइस में कट कर लिया है। ये लाल मिर्च ली है सूखी वाली, ये भी फीकी है, और ये 2 तेज पत्ते हैं। ये मिर्च फीकी होती है, ये ऑप्शनल है। सबसे पहले मैंने जो आलू लिए थे, मैं इनको ऐसे मैशर से मैश कर लूँगी। ये देखिए, इन्हें हमें ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़ा सा ऐसे दरदरा दरदरा सा ही हमें इन्हें मैश करना है। बहुत अच्छे से मैश हो चुका है, जैसा मुझे चाहिए था। अब मैं इसे एक तरफ रख लूँगी और अपनी सब्जी बनाने की तैयारी करूँगी। मैंने एक बर्तन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसे गैस पे रख दिया है गरम होने के लिए। गरम हो गया है अब ऑयल। अब मैं इसमें सबसे पहले ये ज़ीरा डालूँगी। चटक जाने पर ज़ीरा के मैं इसमें ये हींग पाउडर भी डाल दूँगी। ये तेज पत्ता, लाल और हरी मिर्च भी यहीं पर ऐड कर दूँगी इसमें। इन सबको ऑयल में अच्छे से चम्मच चला लूँगी, जिसमें ये थोड़े से क्रंची हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर जो मैंने हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर लिया था, वो भी ऐड कर दूँगी। इन्हें ऐसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से। टमाटर भी यहाँ पे डाल दूँगी, नमक भी यहाँ पर ऐड कर दूँगी मैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और टमाटर के सॉफ्ट होने तक इन्हें स्लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने दूँगी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, 5 मिनट स्लो फ्लेम पर पकने पर टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। यहाँ पे मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसे फुल फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पका लूँगी, जिसमें पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए। ये देखिए, इसमें कितने अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैं इसमें ये आलू डाल दूँगी, जो मैंने मैश करके रखे हुए थे। आलूओं को इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इसमें गरम मसाला भी यहाँ पर डाल दूँगी, कसूरी मेथी भी यहीं पर ऐड कर दूँगी। अब इसे स्लो फ्लेम पर ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए पका लूँगी, जिसमें आलू इसमें बहुत अच्छे से मिक्स होकर पक जाएं। ये 10 मिनट हो चुके हैं ढक्कन लग के पकते हुए। कितने अच्छे से पक गई है हमारी सब्जी और बहुत अच्छी खुशबू फैल रही है इसकी चारों तरफ। सबसे लास्ट में ये हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी। अब मेरी सब्जी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और पूड़ी बनाने की तैयारी करूँगी। पूड़ियाँ बनाने के लिए 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा लिया है मैंने। आप इसे सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं और चाहे तो खाली आटे की भी पूड़ियाँ बना सकते हैं। आटा और मैदा को एक परात में डाल लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले 1 टीस्पून नमक डालूँगी, उसके बाद 1 छोटा चम्मच अजवाइन भी डालूँगी। इन सबको आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें यहाँ पर ऑयल या घी कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ। ये मैंने 1 कप पानी लिया है। अब मैं पूड़ी के आटे को गूंद लूँगी थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। हमें इसे टाइट रखना है, ज़्यादा इसे ढीला नहीं बनाना है इसके डो को। हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है, परफेक्ट डो बन गया है हमारा, जैसे हमें चाहिए था। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए एक बर्तन में ढक के रख दूंगी। ये मैंने जो डो बनाया था, अब इसमें से ऐसे एक बड़ा सा पार्ट्स ऐसे ले लूंगी और उसको ऐसे जल्दी से ऐसे लंबा लंबा बना के, उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना के यहाँ पे ऐसे अपने चकला बेलन के पास ऐसे रख लूंगी। अब इन पार्ट्स की हमें छोटी छोटी ऐसे दबा दबा के
ऐसे लोई बना लेनी है जैसे हम अपनी रोटी के लिए बनाते हैं, लेकिन इनका साइज छोटा रहेगा। अब मैं इनको इधर ऐसे साइड में रख लूंगी और एक लोई को मैं इधर ये खुश्क आटे में ऐसे लगा लूंगी। आप चाहे तो इसमें ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं खुश्क आटा लगा के बनाऊंगी इसे। फिर मैं इसे ऐसे गोल गोल बेलूंगी, हल्के हाथों से बेलना है हमको इसे। जहां ये चुपकने लगेगी इस पे थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के फिर से इसे ऐसे बढ़ाते हुए बेल लेना है। आप इसे एक बड़ी सी रोटी बनाकर और इसे एक किसी ग्लास या किसी कटोरी से काट के भी बना सकते हैं। ये देखिए मेरी एक पूड़ी बनके रेडी हो चुकी है, जिसे मैंने बेल के रख ली है। इसे हमें ज्यादा पतली नहीं, आप इसकी थिकनेस देखिए, बस ऐसी ही रखनी है। मैं दूसरी भी ऐसी ही बेल लूंगी जैसे मैंने इसे बेला है, और सेम प्रोसेस से हमें सारी पूड़ियां ऐसी ही बेल लेनी है। जहां पे ये चुपकने लगेंगी इन पे थोड़ा सा खुश्क आटा डालती जाऊंगी और इसे एक अच्छे साइज तक बेल के रख लूंगी। ये देखिए सेम मेथड से मैंने 6 पूड़ियां बेल ली हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। एक बर्तन में ऑयल रख दिया है मैंने गैस पर गर्म होने के लिए। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें पूड़ियां डालती जाऊंगी। बस हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म रहे, और हल्के हाथों से ऐसे दबा दबा के ऐसे ऐसे घुमा लेना है जिसमें पूड़ी हमारी अच्छे से फूल जाए। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गई है हमारी पूड़ी। फिर उसे ऐसे हम पलट लेंगे और दोनों तरफ से ऐसे ही दबा दबा के अच्छे से सेक लेंगे। मैंने तो इसमें मोयन भी नहीं डाला है, फिर भी देखिए मेरी पूड़ियाँ कितनी अच्छे से फूल रही हैं। अब ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसे ऐसे निकाल लूंगी। हमें सारी पूड़ियाँ सेम मेथड से ऐसे ही फ्राई कर लेना है, बस इन्हें साइड से डालना है जिसमें छींटे नहीं आए हमारे ऊपर, और इन्हें चम्मच से हल्के हाथों से ऐसे दबा दबा के ऐसे घुमाते जाना है जिसमें ये अच्छे से फूल जाए। और इन्हें ऐसे पलट भी देना है बाद में जब ये एक तरफ से अच्छे से हो जाए। ये देखिए ये कितने अच्छे से फूल गई हैं। अब इन्हें भी मैं ऐसे ही निकाल लूंगी। ये मेरी 6 पूड़ियां बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पूड़ियां बिलते वक्त अगर उसमें खुश्क आटा लगाया जाता है तो ऑयल गंदा हो जाता है। ये देखिए मेरा ऑयल तो बिल्कुल साफ है। अब मेरी पूड़ी सब्जी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये पूड़ियां देखने में जितनी फूली हुई हैं ये उतनी सॉफ्ट भी हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, ये सारी ऐसी ही हैं बिल्कुल सॉफ्ट सी। आप मेरी इस पूड़ी सब्जी की रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही इजी और बहुत ही जायकेदार रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये पूड़ी सब्जी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।